निषाद समाज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। एकता व शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है, बाबूराम निषाद। आपको बता दें, वाराणसी लंका में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद के वाराणसी प्रथम आगमन पर निषाद समाज के विभिन्न पदाधिकारियों सहित लोगों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। नगर भ्रमण कर लंका स्थित शिव गंगा वाटिका भवन पहुंचे, जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, अरविंद मजवार ने बताया कि गंगा वाटिका भवन में सम्मान समारोह व वाराणसी जिला निषाद समाज की सामाजिक बैठक हुई। इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष राम बाबू निषाद के नगर आगमन पर निषाद समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बाबूराम निषाद ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए निषाद समाज के विकास को लेकर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि एकता व शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। अच्छे कर्म करोगे तो आपके नाम से परिवार व समाज को जाना जाएगा। विशेष तौर पर उनका कहना था कि निषाद समाज के हर वर्ग के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हमारा और हमारे बच्चों का विकास हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग और हर समाज के विकास के लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के विकास के बारे में सोचती है और उनके विकास के लिए मुख्य तौर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमित चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विकासशील इंसान पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी ने सामाजिक समस्या के निराकरण पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी शशि भूषण कश्यप, अरविंद मजवार, वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी, डॉक्टर अमित चौधरी, मीडिया प्रभारी मयंक कश्यप, राजकुमार साहनी, अनिल साहनी आदि सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित रहे।